नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज और मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाती है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फायर ब्रिगेड की टीम आग तो बुझा ही रही है लेकिन जगह जगह जाकर पक्षियों को कैद से मुक्त भी करा रही है। दरअसल 15 अगस्त के अवसर पर पतंगबाजी के शौकीन मांझे का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसकी वजह से बेजुबान पक्षी इसकी चपेट में आ जाते हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि 15 और 16 अगस्त को फायर कंट्रोल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए कम बल्कि पक्षियों को बचाने के लिए ज्यादा दौड़ रही थी। फायर कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना 20 से 25 पक्षी मांझे की चपेट में आ जाते हैं और इनकी मदद हम या आप नहीं बल्कि फायरमैन कर रहे हैं। ऐसा जी, जैसे ही हमको कंट्रोल से कॉल मिलती है, उस पर हमें जो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं सीन पर, वहाँ उसकी सिचुएशन देखते हैं कितने ऊपर है क्या है, जैसी सिचुएशन होती है वैसे देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ हम बाहर हमारी ब्रांड को जो लिफ्ट वाली होती है वो मंगाए तो उसके लिए भी वहाँ लगने के लिए कोई जगह नहीं थी फिक्स, तो हमने प्रयत्न किया तो हमने हमारा लेडर खोला तो 40 फुट लेडर खुलता है, उसके ऊपर हमने 25-30 फुट के बांस भी लगाए लेकिन हमारे फिर भी वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद हमने हमारी गाड़ी कैसे करके पार्क में घुसाई और वहाँ पर पार्क गाड़ी के ऊपर से लेडर लगाया तो 8-10 फुट और ऊपर लेडर पहुंच गया। उसके बाद हम दो आदमी चढ़े, हमने पक्षी को सुरक्षित उतारने के लिए, अब पक्षी को हम ये देखते हैं भाई पक्षी को भी जोखिम नहीं हो, इस बस वो जो मांझा होता है उसको दाएं बाएं से हमने तोड़ते हैं, यदि वैसे पक्षी के पंखों में लग गया पैरों में लग गया तो ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से हम साइड से हम उसको मांझे को तोड़ते हैं।